नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए और एग्जिट कहाँ पर करना है। तो एक एक पॉइंट मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है, जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है और कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग अपस्टॉक एंड एलएस ब्रू के साथ काम करते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छा ब्रोकर कंपनी है, किसी का साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हम लोग का थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आ जाता हूँ अभी निफ्टी फ्यूचर का परफॉर्मेंस का ऊपर। सबसे पहला जो चीज़ होता है टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है। आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं, हम लोग का सॉफ्टवेयर में हर एक टाइम फ्रेम में काम होता है, 1 मिनट से स्टार्ट होता है, बट ओवरऑल देखा जाता है तो 7 मिनट का जो प्रिडिक्शन लेवल है सबसे बेस्ट है। आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, बट ये जो सेटअप है इसमें 7 मिनट में रिजल्ट सबसे अच्छा देखा गया है। देखिए, आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ टूडे। ये जो कैंडल के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऊपर में डेट एंड टाइमिंग शो कर रहा है। अब फर्स्ट एक सेल का कॉल बना था यहाँ पर, ये जो रेड कलर का एरो, ये आपका सेल का कॉल है। जब भी कॉल बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, राइट साइड में लिख के आएगा जिस वैल्यू में सेल करना है, T1, T2, T3 टारगेट है, ऊपर में आपका स्टॉप लॉस है। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये सेल का कॉल सही था, इस टाइम आपको ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एंट्री लेने के लिए क्या क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहला जो कंडीशन होता है सेलिंग का टाइम, नीचे का रिबन का कलर को रेड होना चाहिए, तो ये आपको दिख रहा है टोटली ग्रीन है, तो ये रेड कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर मैच हुआ है। तो इतना दूर तक आपको अगर देखा जाए मार्केट में टोटली जो मूवमेंट है ये साइडवेज चल रही है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। नीचे का रिबन होने रेड होने का मतलब है यहाँ पर आपका फर्स्ट कंडीशन मैच हुआ। दूसरा कंडीशन, नीचे का ये कैंडल पैटर्न को आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको देखिए कुछ कैंडल दिखाई देगा, कभी रेड बन रहा है, कभी ब्लू बन रहा है, कभी ग्रीन बन रहा है। तो रेड का मतलब सेलिंग के लिए है, ग्रीन बाइंग के लिए, और ब्लू मतलब है वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, या साइडवेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं देखिए सर्कल बनाया हूँ, इस टाइम जिस टाइम सेल का कॉल बना था उसी टाइम एज पर दिस इंडिकेटर आप सेलिंग पे आ गए थे, मतलब ये आपको बता रहा था जो आप सेल कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आपका कन्फर्मेशन उसी टाइम दे दिया था, बट आपका बाकी जो कन्फर्मेशन मिला एक है रिबॉन रेड होना चाहिए, योलो लाइन का नीचे मार्केट को आना चाहिए, और फाइनली एक स्टार बनना चाहिए। ये जो टोटल 4 कंडीशन हम लोग को देखना है, एक है स्टार, एक नीचे का रिबॉन, योलो लाइन का नीचे, और ये जो नीचे इंडिकेटर है इसका मेन फंक्शन है कैंडल को ब्राउन का नीचे होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन जब मैच होता है तभी जाके आप ट्रेड लेंगे। तो देखिए सेल का कॉल यहाँ पर बना है सुबह 10 बजे, और लगभग सारा कंडीशन अगर देखा जाए तो 12:15 पे मैच हो रहा है। तो इस कॉल में और कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, इस टाइप का कॉल में आपको एंट्री नहीं लेना है। कोशिश कीजिएगा एंट्री तभी लिया जाए जब सिग्नल बने और उसका आसपास से आपको स्ट्रांग पोजीशन क्रिएट होते हुए दिखे। ऐसा नहीं जो सुबह 10 बजे कॉल बनाया और 12 बजे आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट रैली निकल जाता है, मतलब मार्केट साइडवेज होता है बट मार्केट में रैली निकल जाता है, जहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, टाइमिंग हाथ से निकल गया। तो इस टाइप का सिचुएशन से बचना है। ट्रेडिंग तो बहुत बंदा करता है बट कंसेप्ट को समझना इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंसेप्ट को समझ के ट्रेड करेंगे तो दिन में एक कॉल ही आपको प्रॉफिट दे के निकल जाएगा। तो देखिए ये कॉल में नहीं ट्रेड करने का पीछे रीज़न यही था, क्योंकि काफ़ी देर मार्केट साइडवेज होने का बाद 12:15 पे जब कंडीशन मैच हुआ है तब तक मैं यहाँ पर और एंट्री नहीं ले सकता। फाइनली देखिए यहाँ पर बाय का कॉल बना। अब ये जो बाय का कॉल है इसमें देखिए, इसमें इस कैंडल पे स्टार बना, जस्ट एक कैंडल या दो कैंडल बाद आपको स्टार मिल गया। अब ये स्टार मिला है, येलो लाइन का ऊपर चला गया है, नीचे का रिबन चलिए और थोड़ा सा वेट कर जाते तो नीचे का रिबन भी ग्रीन हो जाता, और ये जो कैंडल को तोड़ रहा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर जब स्टार बना था ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर मतलब इस जगह पे आ गया था, तो मार्केट ऑलरेडी एक रैली निकल दिया है। और यहाँ पर जब हम लोग एंट्री लेने जा रहे हैं इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू या नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग वैल्यू में,
तब मुझे दिखाई दे रहा है जस्ट तभी तभी ये ब्राउन लाइन को तोड़ा है, तो इसका एक्यूरेसी लेवल हमेशा ज़्यादा होगा। ये चीज़ मैं लास्ट वीडियो में भी मेरा बताया हूँ, बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ, एंट्री जब आपको मिल रहा है अगर उसी टाइम इसका ब्रेकआउट मिले ब्राउन कलर का, तो इसका एक्यूरेसी लेवल हमेशा अच्छा ही होगा। तो अल्टीमेट देखिए इसका टारगेट वन अचीव हो गया है, और ये ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। तो इतना दूर तक मार्केट जाने का एक उम्मीद होता है, तो उतना ऑलरेडी मार्केट चला गया है, 17,180 का वैल्यू अभी चल रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको कैंडल दिखाई देगा, कभी रेड हो रहा है कभी ब्लू हो रहा है, बट आपको दिखाई देगा कोई भी कैंडल ही ब्राउन कलर का लाइन का नीचे नहीं आया है। तो ब्राउन कलर का लाइन का नीचे अगर नहीं आता है इसका मतलब है ट्रेंड जो है अभी भी आपका बाइंग का तरफ है। तो इस चीज को समझना है, सिग्नल का सर स्टार नीचे रिबन योलो लाइन को फॉलो करना है और नीचे वाला इंडिकेटर को फॉलो करना है, अगर मैच होता है तो ट्रेड कीजिए नहीं तो नहीं कीजिए। ऊपर में देखिए एलटी पे अपडेट हो रहा है टिक बाई टिक जैसा आपका अपडेट होगा, और यहाँ पर जो सिग्नल आप देख रहे हैं वो टोटली नॉन रिपेंट सिग्नल है। बहुत बंदा पूछता है जो सिग्नल रिपेंट होता है कि नहीं, एक बार सिग्नल आ गया तो फिक्स्ड है, भले वो प्रॉफिट मिले या ना मिले। तो कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।